शिवपुरी के खनिया थाना में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता आपस में मिलकर कार्य करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश भरदेलिया ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बूथ लेवल पर कार्य करना है। इसी लक्ष्य को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करना है। हम सभी को गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक नरेंद्र बिथरे ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्य करे। जिला भाजपा अध्यक्ष राजू बाथम ने संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों और कोरोना काल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की समाप्ति पर कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। कोठी और कोठे में ज्यादा अंतर नहीं रहा, क्या है ज्योतिराय सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी में जमीन आसमान का अंतर। ये शोषण करके जमींदार या राजा बने और ज्योतिराय सिंधिया जी जन्मजात महाराजा हैं और अब तो उनमें बहुत परिवर्तन है और पब्लिक के बीच में वो संपर्क में रहते हैं। जिले की कार्यकारिणी अभी तक घोषित नहीं हुई, क्या कारण है? जिले की कार्यकारिणी में चूंकि सिंधिया जी अभी आए हैं, वो भी अपेक्षा करते हैं कि जो कार्यकर्ता आए हैं जिनका जो स्तर था उस स्तर से उनको समाहित किया जाए, फिर पार्टी के अध्यक्ष और अन्य जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता वही कार्यकारिणी में आए जो संगठन का काम जानता हो और संगठन की मर्यादा को समझ करके काम करे। कार्यकर्ता आधारित दल होने के कारण हमारी इस प्रकार की कार्य समिति की बैठकें अनवरत होती रहती है और इसी उद्देश्य से आज यहाँ बैठक रखी गई है कि कार्यकर्ताओं को जो हमारे पुराने कार्यक्रम जो चले आ रहे थे, 21 जून को योगा दिवस का कार्यक्रम था, 23 जून को श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, 25 जून को आपातकाल का काला दिवस का कार्यक्रम था, 23 जून से लेकर और 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का और नदी झील तालाब कुएँ बावड़ी इनकी सफाई का कार्यक्रम हाथ में लिया था कार्यकर्ताओं ने, उन सबकी समीक्षा भी करनी थी और आगामी कार्यक्रमों की कार्यकर्ता बंधुओं से चर्चा करनी थी। इसी उद्देश्य से आज मंडल कार्य समिति की यह बैठक रखी गई।